जैसे जैसे शाम होती ना और पतंग चढ़ते, वो ग्रीन वो नागिन पतंग देगा, नागिन गरम मसाला नाखन में तो लाल मिर्च ना ना को बची, ये मां कलर ना आ रहा है, ये बन रहा है पुलाव। ये है कद्दू का जूस, कद्दू सुना है, कद्दू बहुत फेमस है, देसी इलाज फॉर स्टमक, यानी जस्ट टू स्टे हेल्दी। क्यों लाए को टेस्ट में पापा सरोज, सिर्फ 10 रुपीज में इतने सारे फ्लावर्स, मम्मी क्या करोगे? भगवान की माला बनाओगे? भगवान ना लो, छूना मत ना है बगर। छुआ नहीं है ना, छुआ नहीं है ना अपना, छुआ ना, नहीं छूते ना भगवान, ना है बगर। ना पापा तो फूल तोड़े अच्छे ना है बगर, पर ये तो बस बिना हो ही नहीं, इतना वांधो ना। तुम्हारी थियरी बड़ी अलग अलग। बस मेरा मैंने अलग से फ्राई किया, जिसके अंदर गार्लिक थोड़ा गार्लिक एंड प्याज एंड मैंने बनाए खाता। मॉम तांबे की थाली में खाती है, सेम पापा की तरह। खाओ जो उसको कहने मार मारी थार लेने जवानी। मैं शेरनी आज मैं जाऊंगी अपनी शेरनी, अभी ओला में जाऊंगी, उबर में जाऊंगी, भाई के घर, वहां से शेरनी लूंगी। हाँ ना ही लो, ना ही लो, गंदा इंसान। मम्मी ना के नहीं है, मैं मम्मी जैसी हुई हूँ, लेट उठती हूँ, कोई ना थी वीडियो हमारो ब्लॉग। आज तो मैं एकदम थोड़ा तैयार होके निकली यार, पता है, क्योंकि रोज इतना ऐसे लेजी हो जाती हूँ ना कहीं पे भी निकलने के लिए, आज थोड़ी ऐसी जगह पर जा रही हूँ। अरे मैं बताना ही भूल गई मैं कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहला तो मेरी गाड़ी लेने जा रही हूँ, मेरी शेरनी सलोन भी जाना है, फिर जाएंगे कैसी जगह। बाइक करा ली मैंने आईब्रो, जंगल मेरा गया, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरी आईब्रो बहुत अच्छी है, सब बोल रही है लड़की। पान खाने का मन किया है, चॉकलेट पान खाऊंगी आज, चॉकलेट पान देता। ये है ये वाला चॉकलेट पान है, दो बाद बाद में शॉप पे दोनों में मिलता है ना, तो चॉकलेट पान खाती फिर जा रही ऊपर भाई के घर चाबी लेने के लिए शेरनी की। एंड ये आ गया अपना चॉकलेट पान। भाई सुबह में कौन खाता है चॉकलेट पान, आई मीन दोपहर में, कोई नहीं, खाना खाया था ना तो उसके बाद बढ़िया एकदम। यहाँ का चॉकलेट पान मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। इतना सोच के आई थी गुजरात जाऊंगी, बढ़िया से ठंडी होगी, इससे ज्यादा ठंड तो साला नवंबर में थी, इतना गंदा वेदर हो चुका, एक्सट्रीम बैड, कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जनवरी में ऐसा वेदर होएगा, सेकंड वीक में कहीं स्नो के निशान नहीं है पहाड़ों में, तो इतनी गर्मी लग रही है मुझे। चलो अभी आ चुकी हूँ बिल्डिंग में, जाती ऊपर पलाश्री आयुष को मिलके, आयुष तो निकल गया होगा क्लास के लिए, शायद पलाश्री होगी, फिर चावी लेके निकलूंगी। तो गाड़ी ना मैं इधर ही रखती हूँ अपनी घर, घर पे भाई के घर पे, पार्किंग बड़ा है ना, पर मम्मा मार से ना आयुष ने पलाश्री, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, कोई बात नहीं, मेरा पापा भी कोई बात नहीं, हम तो पागल हैं तो पान खाएंगे ना, पान खाने लेके चल मंदिर पान, मेरे को मेकअप करके तैयार होना है, चल आई एम रेडी, आई डिड माई मेकअप, आई जस्ट थॉट टू, कभी कभार मन होता है कि मैं मेकअप कर लूँ, थोड़ी तैयार हो जाऊँ, है ना, रोज़ तो नहीं करती, रोज़ चश्मे, रोज़ चश्मे चढ़ा लेते हैं। प्लीज भाई पलो ना मुखी ने, आई जा पलो, शेरनी में जाएंगे पलो, शेरनी में, माई गॉड आई एम सो मच हैप्पी यार, बहुत कम टाइम मिलता है चलाने का, बट अब गाड़ी साफ भी हो रही तो और अच्छा लग रहा है। हाँ तो शांति ड्राइव कर दो तुम्हें, वेट मैं खोलती हूँ, कम मेरी डार्लिंग, कम मेरी बीवी, कम। पलाश्री गई सामने पान लेने जाऊँ, सब मैं लेके आई थी, उसको भी पान खाना था, वाह हमारी मैडम आ गई, देखो जरा आहा आहा, कैसा है पान, तू तो अंदर बैठ, बड़ी बड़ी लाइन बन गई यार, मेरी शेरनी के ऊपर जो क्रैक है ना इसको ठीक कराना पड़ेगा, पूरा ग्लास चेंज कराना है और ये जाएगा इंश्योरेंस में, तो उस चक्कर में मैं करा नहीं पा रही हूँ, धूप लग रही थी पीछे से निकाल के अपना शेड लगा दिया इधर, और बस पहुंच रही हूँ अभी।
यार एक बात बताओ, किसी ने हेयर बोटॉक्स कराया है? मैंने करा के ऐसा लग रहा है जैसे गलती कर दी, मेरा इतने स्ट्रेट बाल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे झाड़ू जैसे बाल मुझे ज्यादा पसंद है, इतने स्ट्रेट मुझे पसंद नहीं है, तो लाइक इतना स्ट्रेट हो जाता है, वही सीन है कुछ ना कुछ ऐसे ही बस दिमाग में आ गया, खुद का ही वीडियो देख रही थी, आई रियलाइज कि इट डजंट लुक गुड। यार ये मेट्रो का ब्रिज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो कौन है हमारा स्टार ऑफ द डे है, कबीर। चल कहीं ओके, रिवर फ्रंट ताल चालू था ना त्यां सुधी राई दूर सुधी एकदम रत्ना इज हियर, कहीं ना कहीं तो देखा होगा नवरात्रि में। और अभी ये मेरे को लेके, ये टिबेटियन रेफ्यूजी स्वेटर बाजार अहमदाबाद, इसके पीछे है पतंगोत्सव का गेट, इतनी गाड़ियां हैं पार्किंग में, देखो वो ऊपर जो चढ़ रही है पतंगे सब। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, हमें तो लोग यहाँ पर गुजराती थेपला भी खिलाते हैं ना, हूँ पर जमीन है पर गुजराती में ऐसे स्वागत करते थेपला सर। ये है ओरिजिनल पतंगोत्सव, मैं तो ऊपर चढ़ गई यार, देख ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, मैं तो ऊपर चढ़ जाती हूँ। अब यहाँ पर जैसे जैसे शाम होती ना और पतंग चढ़ते, वो ग्रीन वो नागिन पतंग देगा, नागिन वहाँ पर एक ग्रीन कलर का नागिन पतंग चढ़ रहा है। ध्रुविल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्रुविल हमारे लिए चॉकलेट लेके आए, उनका घर होते सामने ही है, मैं उनको बोला आप तो रोज यहाँ से देखते होंगे, फिर यार नहीं पता हम लोग अहमदाबाद में रहकर इतना आ नहीं पाते हैं, बट जो अहमदाबाद के बाहर के लोग हैं उनको लिटरली मन होता है कि हम भी देख के जाके, तो हमारे लिए बहुत कॉमन हो जाता है और ग्रांटेड हो जाता है। नहीं हवा तो आएगी, शाम को आएगी हवा, नहीं इसलिए पतंग उड़ रहे, सब लोग बेचारा वेट करके बैठा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे होता है पतंग उत्सव, एक से एक पतंग उड़ती है, बट आज हवा नहीं है तो ज़्यादा उड़ नहीं रही। अरे कितना मस्त, तो ये देखो ये बर्ड, नॉट बर्ड इज द काइट, मैं हमड़ा हमड़ा मैं खावाड़ू लिटरली हो चुका हूं ना, एक गुजरा मन में जो लोग कंट्रोल, ये बोलता है आलू और घुंगड़ा खाने आओ, शशि को चवाणु खाने आओ, सोडा पीने आओ। अरे अहमदाबाद इतना खाने पीने का इन्विटेशन, ये खाओ वो खाओ, हम ऑन डाइट ना, दिवस से तो डाइट चालू कर, अहमदाबाद में आके अगर अच्छा खाना नहीं खाया, ये देखो खाने के स्टॉल्स देखो, बढ़िया से स्टॉल्स एकदम, और इतनी भीड़ लगी, सबसे ज्यादा भीड़ ही इधर है। एक ढोकला भी तो चटनी थोड़ी कम अलग रख जाओ, चटनी अलग रख मैंने टेस्ट करवा दो, एक से एक खाना मिलता है हमारे यहाँ। अब आड़की माँ पर चटनी अलग थी, और भीड़ देखो, फ्लावर शो का क्या ट्रैफिक था। अब हम जा रहे हैं रिवर क्रूज विच इज़ वेरी फेमस, अभी इस साल यानी 2023 में चालू हुई है रिवर क्रूज इन अहमदाबाद, काफ़ी फेमस है, तो अपने को जाना है सरदार पटेल ब्रिज, गाड़ी पार्क करके नीचे जाएंगे। मेहुल, मेहुल फुल आईडी क्या है? अहमदाबादी मेहुल, अहमदाबादी मेहुल है, खाने की एक से एक जगह दिखाता है अहमदाबादी मेहुल, तो वो अक्सर अक्षर रिवर क्रूज के बाहर मिल चुका है, सो ऐसे ही हम लोग विजिट करने जा रहे थे तो ये बाहर मिल गए, तो बातें कर रहे थे। ये है एक लग्जरी एक्सपीरियंस इन अहमदाबाद, द अक्षर क्रूज रिवर क्रूज, लग रहा है ना गोवा फील, वाह क्या क्रूज है, हम तो सारी बनाई छ, नॉट ग्रेट नॉट बैड, आई मीन लास्ट क्रूज मैंने जो की थी वो कौन सी की थी, अरे बहुत की अभी तो यूरोप में, बट द बिग वन वियतनाम। सेटअप तो ऐसा ही लग रहा है, हाँ सेटअप तो ऐसा ही लग रहा है, नाइस सेटअप फॉर फूड है ना, ये कितने घंटे की, ये
ये हो गया ऊपर का पार्ट, तो पर हेड है अपने 2,300, 90 मिनट्स की क्रूज है एंड जस्ट एंजॉय, यू कैन डू योर पार्टी आल्सो इन अहमदाबाद। अरे तो मैं इधर ही रखती हूँ ना पार्टी, मेरी पर्सनल पार्टीज है और उसके लिए तो बहुत बढ़िया जगह है अनशा, है ना। तो ये अभी 7 बजे निकलेगी, 7 से 9, मैं अभी 1.5 घंटे की क्रूज पे बाय द वे नहीं जा रही हूँ, आई जस्ट थॉट टू विजिट एंड सी कैसा लग रहा है। तो बढ़िया है, कभी कभी प्लान करना है तो कर सकता। सामने बार है, कॉकटेल बार, जहाँ पर दारू नहीं बिकती है। अहमदाबाद में दारू नहीं मिलती, खाना भरपूर मिल जाएगा, मॉकटेल्स मिल जाएंगे, नो अल्कोहल, तो नाइस। ए नहीं खाए कहीं महाराज ना समोस आई थे ना फेमस, भाई इतनी ये रॉ दुकान हुआ करते थे एक जमाने में, अभी कितना मस्त बन चुका है। चटनी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती पता है, हमारी कैपेसिटी होती है। कबीर को खाना था आइसक्रीम, हम लोग खा रहे समोसा। चलो चलो कबीर, खाया महाराज का समोसा, खाया हमने आइसक्रीम, मठिया फाइनली। तुझे पता है इस दिवाली मैंने मठिया बहुत मिस किया था, तो हम लोग मोस्टली बहुत अलग अलग ब्रांड पर यश का मठिया मैंने जो लिया मैं खाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल तो जाती हूँ, मेरा भाई वेट कर रहा है घर पे, चल बाय। यहाँ पर खड़ी हो गई पानी पूरी खाने के लिए, भीरू जी फास्ट फूड, बचपन में खाया करती थी मैं। जमाने के बाद खा रही हूँ इस एरिया में, यहाँ पर आके अभी मैं तो जाऊंगी अपनी शेरनी में, पानी पूरी भी खा लिया भाई, बहुत टायरिंग डे, अभी पहुंची भाई के वहाँ, कर लिया शेरनी को भी पार्क। क्रीम रोल लिया मैंने खाने के लिए, इतनी नींद आ रही पता नहीं क्यों आ रही, बहुत ज़्यादा सडनली। हेलो तो चाय को क्रीम रोल तो क्यों सोई जाए जा? तो लोग भी सो गए, वो तो 9:30 बजे, लेकिन पता नहीं क्यों नींद आ रही आज मुझे, आई एम वेरी टायर्ड, खा पी भी लिया मैं तो सो नहीं का सोच रही हूँ आज जल्दी। भाई भाभी तो किचन में डोसा बना रहा है, आई एम डन, सो जाऊंगी।